हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सरसाइज 4.4, मैथ्स 1. रीड द क्वेश्चन. देयर इज गिवन लेबर कॉस्ट रुपीज 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ x यूनिट इज x स्क्वायर, एंड प्राइस ऑफ One unit is 10,800 minus 4x square. Then find the value of x if total cost is decreasing and second one revenue is increasing, right? Increasing decreasing का question है. मैंने आपको बोला था decreasing और increasing type question में first find the derivative of the given function. Remember, if there is given decreasing का मतलब उसका derivative क्या होगा? Less than zero. और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? उसका डेरिवेटिव क्या होगा? लेस देन जीरो. यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ है, अब ग्रेटर देन लेस देन जीरो दिखाओ और एक्स का वैल्यू फाइंड करो. इट्स वेरी सिंपल. देखो मैंने लेबर कॉस्ट लिख दिया 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट है एक्स स्क्वायर और प्राइस दिया हुआ है एक यूनिट का 10,800 माइनस 4x स्क्वायर. फर्स्ट कंडीशन है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे हम लोग. पहला क्वेश्चन करते हैं. टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. ऐड कर दो उसको. लेबर कॉस्ट कितना है? 150 माइनस 54x प्लस x स्क्वायर. मींस क्या हो जाएगा? 150 माइनस 54x प्लस x स्क्वायर. ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट. अब इसे क्या दिखाना है? ये टोटल कॉस्ट क्या है? डिक्रीजिंग है. तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका. देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dc upon dx is equal to d by dx 150 minus 54x plus x square, right? Solve karte isko, kitna aayega? dc upon dx is equal to 150 constant number hai, zero hoga. माइनस 54 इंटू एक्स. 54 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, के साथ में एक्स है तो क्या हो जाएगा? एक्स का होता है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेस टू एन मीन्स एन एक्स स्क्वायर मतलब 2x. 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x. वेरी सिंपल. अब डी सी अपॉन डी एक्स कितना आ गया? डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 54 प्लस 2x. ये टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल लिया हमने. बट क्या दिया हुआ है? सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. देयरफॉर dc upon dx is less than 0. Solve karo isko. Minus 54 plus 2x is less than 0. That means minus 54 is less than minus 2x. Minus minus dono side se cut kar do. Kitna aayega dekho? 54 is less than. या फिर ऐसा लिख दो उसको. ऐसा भी कर सकते हो. 54 को वहां लेके जाओ. ऐसा माइनस 54 उधर जाए तो होगा इधर 2x हो गया. 54 राइट माइनस का प्लस हो जाएगा. therefore x is less than 54 upon 2.
27 होगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। फर्स्ट वाला, सेकंड में क्या दिया हो देखो, सेकंड में रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट मैं लाइन खींच देता हूँ। रेवेन्यू निकालते हैं सेकंड के लिए, आर या रेवेन्यू इज इक्वल टू P into X, price into number of units. So R ऐसे रहने दो, P is given there. Price कितना दिया हुआ है, 10,800 minus 4X square into X into X, right? Therefore R is equal to multiply होगा 10,800X minus 4X cube, 4X हो गया आपका रेवेन्यू। सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन, राइट। देयरफॉर या फिर इसका डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाओ। पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हम लोग, differentiating with respect to x, with respect to x we get dr upon dx is equal to d by dx 10,800x minus 4x cube, right? क्या मिलेगा हमको, निकालेंगे तो 10,800x का 10,800 into x का हो जाएगा 1 माइनस 4 एज इट इज रहेगा, x क्यूब को होगा 3x स्क्वायर, दैट मींस 10,800 माइनस 4 3 या 12x स्क्वायर, ये मिल गया। सिंस रेवेन्यू इज d बाय dx मिला अपने को, मुश्किल अच्छे से dr upon dx, ये क्या हो गया dr upon dx। Since revenue is increasing function, increasing function, क्या हो जाएगा फिर, dr upon dx is greater than zero, right? Solve करो इसको, 10,800 is minus 12x square is greater than zero, right? Then 10,800 is greater than 12x square. Therefore 10,800 upon 12 is greater than x square. क्या मिलेगा हमको, कट करो 12 वन जा 12 नाइन जा कितना आएगा, 12 नाइन जा 108, देयरफॉर 900 इज इक्वल टू 900 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिलेगा अपने को, 30 इज ग्रेटर देन एक्स, taking square root, or x is less than 30. मतलब x का वैल्यू अगर 30 होगा तो उसका रेवेन्यू क्या होगा, x का वैल्यू लेस देन 30 होगा तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज 4.4। क्या दिया हुआ देखो, टोटल कॉस्ट इज गिवन देयर 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस एक्स फोर। टोटल कॉस्ट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट को एक बार इंक्रीजिंग दिखाना है, एक बार डिक्रीजिंग दिखाना है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट से हम लोग एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, और डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। देखो मैंने टोटल कॉस्ट लिख दिया, हमको पता है एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सी ए इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है, रखते हैं वैल्यू सी ए इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेस टू 4 अपॉन x, राइट। सी ए इज इक्वल टू, यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर 47 प्लस 300 x माइनस x क्यूब अपॉन x, इस x से कैंसिल हो जाएगा, आपका एवरेज कॉस्ट बच गया क्या 47x प्लस 300x माइनस x क्यूब, ये मिल गया एवरेज कॉस्ट। अब पहला फाइंड करना है इसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया हुआ है, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। First, find the derivative. Differentiating with respect to x. क्या मिलेगा हमको? dCA upon dx is equal to d by dx 47 plus 300x माइनस 300x माइनस x क्यूब, ऐसा हो जाएगा। फाइंड करो dCA अपॉन dx एज इट इज इक्वल टू 47 का क्या होगा, कांस्टेंट नंबर है 0, प्लस 300x का हो जाएगा 300 इंटू 1, x का 1 होता है, माइनस x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, दैट मींस क्या मिल जाएगा हमको 300 माइनस 3x स्क्वायर। फिर सिंस क्या लिखोगे, CA इज एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर dCA अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग होता तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। अब रखते हैं वैल्यू, कितना मिला अपने को 300 माइनस 3x स्क्वायर मिला हुआ है, इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने का और x का वैल्यू फाइंड करने का, 300 इज ग्रेटर देन माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर, राइट। अब डिवाइडिंग बाय 3 कर दो, डिवाइडिंग बाय 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो रिमेनिंग x स्क्वायर कट करो, 3 1 जा 300 हो गया, स्क्वायर रूट ले लो, बचा 100 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 100 का स्क्वायर हमको पता ही है 10 होता है, ये x हो गया, और लिख सकते हो इसको x इज लेस देन 10, ये मिल गया आपको x का वैल्यू। एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग है तो x इज लेस देन कितना होगा 10। सेकंड कंडीशन इसका दिया हुआ है, सेकंड में एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ऐसा दिया हुआ, तुमको मिला है उसका डेरिवेटिव एवरेज कॉस्ट का, देयरफॉर dCA अपॉन dx इज लेस देन 0, सेम टू सेम वैसे रखना पड़ेगा हमको, कितना है 3
100 माइनस 3x स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ ग्रेटर देन दिखाया था, यहाँ पे लेस देन दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 300 इज लेस देन 3x स्क्वायर, देयरफॉर 300 अपॉन 3 इज लेस देन x स्क्वायर, कट होगा तो कितना आएगा 100 इज लेस देन x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 10 इज लेस देन x और x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन। If average cost is increasing, value of x is less than 10. If average cost is decreasing, value of x is greater than 10. Understood? ये हो गया आपका question number 6 complete, right?